क्या आपको भी अपना गेम प्ले शो ऑफ करना है? हाँ। क्या आपको भी अपनी दो केड़े की गेम प्ले से पैसे कमानी है? हाँ भाई हाँ। तो आपके लिए लाया हूँ मैं गेमर्स कट्टा ऐप। तो गेमर्स कट्टा एक टूर्नामेंट प्लेइंग ऐप है, तुमको बस ये ऐप खोलनी और साइन अप करना है और तुम डायरेक्ट टूर्नामेंट के पेज पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे तुमको अलग अलग टूर्नामेंट्स मिलेंगे जिसके अंदर तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो बहुत ही कम एंट्री फीस पे। सीरियसली लाइक 10 रुपये की एंट्री फीस में 1000 रुपीज़ का कैश प्राइस है इसके अंदर। तो और ऊपर से लाइक 15 रुपीज़ एंट्री फीस के अंदर विनर के 200 रुपीज़, 50 रुपीज़ रनर अप एंड 8 रुपीज़ पर किल। तो लाइक ये कोई भी ले सकता है, तो लाइक इसके अंदर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है और सही बताऊं तो हर कोई बंदा ना यहाँ पे प्रॉफिट कमा के जा सकता है। तो तुम लोगों को ये टूर्नामेंट्स तो खेलने ही चाहिए और साथ में तुम अपने दोस्तों को भी इस ऐप को रेफर करके और पैसे कमा सकते हो। तुम लोगों को बस अपने दोस्त को इन्वाइट करना है, उसके लिए क्या करना है तुम्हें बस एक बार क्लिक करना है, उसके बाद रेफर नाउ पे जाना है और इसके बाद ये ऐप तुमको अलग अलग ऑप्शन अपने आप दे देगी जिससे तुम इस ऐप को और शेयर कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली 10 रुपीज़ पर मैच एंड 5 रुपीज़ रेफर। और तुम लोग यहाँ तक कि इसके अंदर ऑनगोइंग पे जाके, वैसे भी तो कोई मैच चल नहीं रहा बट जब चल रहा होगा तो उसकी लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हो जा करके और अपने पुराने मैचेस के रिजल्ट्स भी देख सकते हो, अपनी प्रोफाइल भी पूरी खोल के देख सकते हो और स्टैट्स में तो लाइक सारे के सारे जो मैचेस खेले तुमने उन सब की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और पैसे विड्रॉ करना भी बहुत आसान है, पेटीएम, गूगल पे, बैंक एंड एज वेल एज फोन पे तक का ऑप्शन मिल रखा है इस ऐप के थ्रू। तो नीचे जाकर के जल्दी से गेमर्स कट्टा को डाउनलोड करो और अपने पबजी के दो केड़े के गेम प्ले से पैसे कमाओ। एंड और इसी के साथ आ गए हम अपने दो केड़ी के उड़ते फुड़ते जहाज में, जो हमको जहाँ मतलब जहाँ से हमें कंडक्टर भैया लात मार करके निकाल देते हैं। सफर पे था मेरा, प्लेन ग्लिच हो गया, मैं डर गया, मैंने जैसे ही सिम कार्ड पे स्विच किया वैसे ही प्लेन आ गया। क्या गेम है ये भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ गेम अजीब सी है, ग्लिच है ये। और इसी के साथ हम निकल चुके हैं अपनी प्यारी सी जगह पोचिंगी की तरफ। लाइक पोचिंगी ना तुम सब जानते हो, लाइक जॉर्ज पोल नो वो ये सब बाद में आता है बट हम सबके दिल के बीच में ना, जैसे कि मैप के बीच में पोचिंग की बसता है। सब जानते हैं कि पोचिंग की एक टाइम पे लाइक पोचिंग की लाइक हम सबको पता था पोचिंग की एक जगह थी। लाइक पबजी नहीं खेलते थे तब भी ये पता था कि पोचिंग की एक जगह है, हालांकि ये नहीं पता था कि जॉर्ज पोल या नोवो भी जगह है। बट मेरे को जहाँ तक पता, जब मैं पबजी नहीं भी खेलता था ना, पोचिंग की एक ऐसी जगह थी जो पता थी, पता नहीं कैसे पता थी, बिकॉज लाइक इतनी पॉपुलर है ना पोचिंग की स्पेशली पबजी पीसी में, तो लाइक पागलों की तरह उतरते हैं आप, ये हॉट ड्रॉप होता है। तो एनीवेज हम पोचिंग के आ चुके हैं और उतरते ही हमारे लाइक CHPJ भैया को तो लाइक पकड़ लिया किसी ने, था कि खाने पीने के लिए पता नहीं थी छोड़ दिया, फिर उन्होंने कहा टेस्ट नहीं लग रहा, मैं नहीं खा रहा, तो मैंने बचा लिया जा करके। वो तो मैक्सटन भाई आजकल लाइक ज़्यादा ही फॉर्म में आ रहे हैं, किस्मत अच्छी थी उन्होंने जा करके बच गए। लेकिन तो मैक्सटन भाई को तो तुम्हारा रिकॉर्ड पता है ना, लाइक हद से 2 मिनट के अंदर हमारे मैक्सटन का जो 2 किडे का गेम प्ले बाहर निकल के आ जाता है और मर जाते हैं। बट इस गेम प्ले में मैक्सटन भाई जिंदा रह गए कि पता नहीं कैसे, तो लाइक आई एम सो हैप्पी फॉर मैक्सटन भाई। तो अब इनके 2 बंदे नॉक थे तो हमने डिसाइड करा कि लाइक अब इनको पुश करके ख़त्म ही कर देते। मैंने शॉटगन से शूट तो करा बट हमारी किस्मत में कहाँ था ये किल, जिसको बचाया उसी ने बैक स्टैप करके किल चुराया, बहुत बुरा लगा मुझे। एनीवेज तुम्हें पता नहीं चल चुका वो तो लाइक मैं अभी S10 पे खेल रहा हूँ, ये आईपैड पे नहीं है गेम प्ले। और ये मेरे को पता नहीं क्या हो रहा था यहाँ पे, लाइक लिटरली बंदे ओपन में खड़े होकर कहाँ डांस कर रहे थे, शक्ल लक्का बूम बूम भैया देख तो लो, गन गुन है नहीं मारने चले। और इतने में हमको पोचिंग में ठीक ठाक लूट मिल गई, लाइक M4 मिल गया, M16 मिल गया, मतलब जो बेसिक लूट होती है ना पोचिंग की वो ठीक थी इस गेम में। नहीं तो मुझे पता है बहुत बार भाई पोचिंग के अंदर से रद्दी सामान मिलता है, रद्दी सामान इन सेंस लाइक UMP मिल जाएगी, UZI मिल जाएगी, बट हमारी M4 AKM नहीं मिलेगी। तो लाइक तुम्हें पता है ना पोचिंग की कैसी जगह, लाइक मैं सही बताऊं पूरे रैंगल में जॉर्ज पोल के कंटेनर और पोचिंग से ज़्यादा मतलब बकवास लूट कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। बिकॉज बकवास लूट इन द सेंस लाइक कि यहाँ पे लूट कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, ऐसा सेंस है। लाइक कभी Level 3 का हेलमेट और वेस्ट दोनों मिल जाएगा, कभी Level 1 का वेस्ट भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा, ऐसा चक्कर है यहाँ का। और सेम चीज़ जॉर्ज पोल के कंटेनर्स पे। बट एनीवेज अब हम निकल के अपनी गाड़ी लेके रश करने या फिर घर टू घर पुश करने, जैसे कि हमारे मैक्सटन भाई बोलते हैं घर टू घर पुश। कल गलती से उनकी वीडियो शुरू होगी तो और उसके अंदर वो घर टू घर पुश ही करते रह गए, तो लाइक अब से हम भी घर टू घर पुश करेंगे फ्रेंड्स। अब लाइक सड़क टू सड़क नहीं करते ना, हम घर से घर घुस जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आया उसका मतलब। बाय द वे लाइक घर घर उठा करके फेंक दें किसी के सर पर पता नहीं। एनीवेज तो सामने एक गाड़ी जा रही थी तो फिर हमने इनका थर्ड पार्टी कर दिया, कौन सी 2 गाड़ी लड़ रही थी। मेरे को एक भी नहीं बोलोगे
और इतने में हमारे टीममेट्स ने आराम से प्यारे थर्ड पार्टी करके दोनों स्क्वाड छुड़ा दिया। एक्चुअली क्या हो रहा था, ये दोनों की दोनों स्क्वाड्स कार फाइट कर रही थी, तो हम लोग बीच में घुस गए चुपचाप से, लाइक आ हाँ बेटा हम भी तो मजा ले लें तुम्हारे फालतू की फाइट का, कार फाइट करते फिरोगे इतने ओपन में, तो भैया हमारे जैसे लोग जाके चिपट जाते हैं मजे में, हमारे पे कुछ काम धंधा नहीं होता, हम लोग थर्ड पार्टी करने का एक्चुअली वेट करते हैं पूरे गेम की, लाइक हमको मौका मिले और सामने वाले स्क्वाड को हम थर्ड पार्टी कर दें बहुत आसानी से, हम लोग बड़े नोबड़े बंदर हैं भाई पूछो ना। एनीवेज हमारे मैक्सटन भाई इस पर लाइक जिंदा है, तो उसी बात पे लाइक नीचे जाके लाइक करना तो बनता है, तो नीचे जाओ जल्दी से अपने दो कड़े के मैक्सटन भाई के लिए लाइक कर दो। वैसे देखा जाए तो लाइक मैं पता नहीं मैक्सटन भाई के नाम पे क्यों लाइक खाता हूँ, पता नहीं अजीब सीन है मेरा, चलो मेरे लिए कर दो। और तुमने वैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब तो जरूर कर दो, लाइक 3,50,000 सब्सक्राइबर्स कितने पास से हम कैब गए, नीचे जाओ सब्सक्राइब करो जल्दी से। और देखा जाए तो मैंने मैक्सटन भाई ने लाइक मेरे ही कपड़े पहन लिए शायद से, लाइक इनको मेरे कपड़ों से बहुत प्यार है, नोबड़े को अपने दो कड़े के कपड़े पहनना नोबड़ा। एनीवेज मजाक कर रहा हूँ, लाइक तुम सीरियस मत हुआ करो, मजाक करते हैं ऐसे मजे मजे में बोलते हैं हम। एनीवेज तो अभी हमें पता था कि इधर बंदे हैं जॉर्ज पूल और इस तरफ, तो हम लोग इधर आगे स्क्वाड हाउस देखा, स्क्वाड हाउस में हमें कोई नहीं मिला, तो अभी हम यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ से उधर जा रहे हैं जॉर्ज पूल की तरफ। और इधर जाते जाते क्या हुआ था, क्या हुआ था भैया भूल ही गया मैं, वाओ वाडू है मेरी याददाश्त कमजोर होगी फ्रेंड्स, क्या हुआ था यार यहाँ पे, ओहो उतरे थे गाड़ी से, हाँ याद है मुझे गाड़ी से उतरे थे फ्रेंड्स, अभी चढ़ना वापस क्या कर रहे हैं, बस जीतने से मतलब चाहे मेरे जीरो ही किलो। और ये मैक्सन को वो रख दे, रोक रहा हूँ मैं कंपाउंड में, कंपाउंड में रोक रहा हूँ, टाइम चल रहा पे मार्क, हम तो यहाँ मार रहे पत्थर पे, इसका सांप बन गया गोल्ड। और यहाँ पे ये स्क्वाड भी स्वाहा हो गया, उसके अंदर भी मैं दो किल बड़े प्यार से ले गया बिना कुछ मेहनत करे। एक्चुअली ना टू का स्ट्रेटजी बेस्ट है, लाइक क्लासिक के हिसाब से भी टू का स्ट्रेटजी बेस्ट है, मैं एक्चुअली कभी के बाद फोर का स्ट्रेटजी भी चला लेते हैं क्लासिक में मजे भी नुबड़े, बट मेरे अकॉर्डिंग ना जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी ना उतना ज़्यादा सही रहता है, लाइक एक गाड़ी कहीं ठोकेगी उसके अंदर चार बंदर निकलेंगे बहुत प्रिडिक्टेबल है, बट जब तुम चार गाड़ी अलग अलग एंगल से लाते हो ना तो थोड़ा लाइक सही रहता है वो, कि लोगों को पता ही चलता है कहाँ से बंदे आ रहे कहाँ से नहीं आ रहे। एनीवेज तो अभी हम लोग गाड़ी लेकर के अपने लाइक मैंने अपने बंदे को बोला आजा भाई बैठते हैं चलते हैं फिर बड़े ही मजे से। इतने में हमें लगा था कि एक और स्क्वाड यहाँ पर आ रही है, तो उसके हिसाब से मैं चेक करने गया था कि और कोई स्क्वाड है कि नहीं यहाँ पे, तो कोई स्क्वाड नहीं थी, पर हमने देखा कि वो वहाँ से निकल रहे थे, तो हमें लाइक मैंने ट्राई करा कि M4 का 6x मारूँ क्या पता थुक्के से एक गोली लग जाए, बट हमें क्या पता था कि हमारी किस्मत में फुक्का डैमेज नहीं है भैया, सारा डैमेज तो हंटर भाई करते हैं और तुम्हें तो पता है ना डैमेज तो बोट्स भी दे देते हैं, असली प्लेयर वो होते हैं जो किल चुराते हैं, तो उसी का मान रखते हमारे हंटर बंटर भैया को हमने इस गेम प्ले में खिलाया ही नहीं भाई, तो डैमेज देते हैं तो डैमेज ही देते रहे कोने में बैठ के, अपन जा रहा है किल मारने। और अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हॉस्पिटल का जो पहाड़ है ना ये कैप्चर कर लेते हैं, अब इसका करने का एक सिंपल रीज़न था, जितने भी आसपास के कंपाउंड है ना उन वो सब के सब डाउन रेंज है, मतलब कि उन सब की हाइट कम है कंपेयर टू दिस माउंटेन राइट, तो उससे क्या होगा हमारे पास एंगल अच्छा होगा रेंज अच्छा होगा TPP का उपयोग बहुत अच्छे से होगा, तो हमने अपनी दो गाड़ियों को इस्तेमाल करके यहाँ पे कवर बना लिया बड़े ही प्यार से एल शेप में, तो ये कवर क्या करेगा हमें लेफ्ट से भी प्रोटेक्ट करेगा और राइट की फायरिंग से भी प्रोटेक्ट करेगा, मतलब कि एक तरह से हमारा ये न्यू घर बन गया है, बट ये जो घर है ना ओपन में बना हमारा, तो लाइक टेम्परेरी बेसिस में हमने घर बना लिया अपना। तो मैंने गाड़ियों को बड़े ही प्यार से अच्छे एंगल से लगाया, जो लेफ्ट गाड़ी हमें लेफ्ट स्क्वाड हाउस से प्रोटेक्ट करेगी और राइट वाली राइट स्क्वाड हाउस से प्रोटेक्ट करेगी, और इतने में हमारे प्लेयर्स ने अपना काम धंधा शुरू कर दिया बंदों को मारने का बड़े ही प्यार से। तो इधर मैंने बोला था कि एक बंदा उस रिज पे जाकर के खड़े हो जाओ जिससे कोई वो रिज कैप्चर ना कर पाए, तो मैंने मैक्सटन भाई भागे भागे गए अपनी दो कीड़ी की स्पीड पे कि भाई मैं जाऊंगा उधर मैं, तो मैंने कहा जा मर जावे नोड किसी को अंतर ही नहीं पड़ता तो मैंने देखा कि भाई थोड़ी गाड़ियाँ थोड़ी गलत एंगल पे लगी थी यहाँ पे, एक्चुअली क्या हुआ जो ये राइट वाली गाड़ी है ना ये हल्का सा लाइक थोड़ी इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है लेफ्ट वाली से, तो वो मैं भी ठीक करूँगा थोड़ी देर में, एक्चुअली मैं कुछ काम धाम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस मैंने सोच रहा था कि इस बंदे को मारो उतने में गोलियाँ पड़ गई मेरे को, तो लाइक आई वाज लाइक ना 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 मेरे को नहीं लड़ना फालतू में, तो सही बताऊँ तो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया सिर्फ अपना वॉच टाइम बढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे टीम में आई थिंक दो बंदों पे तो लाइक M24 थे और मैक्सटन भाई वहाँ रीच होल्ड कर रहे थे, तो असली में मेरा कुछ काम धाम नहीं था सिवाय यहाँ पे बैठ के मजे से लाइक
कॉफी वॉफी पीने के और अपनी दो केड़े की मैक्सन की चाय पीने के, लाइक मैं अभी मैक्सन की चाय पी रहा हूँ दो केड़े की यहाँ पे बैठ के और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज लाइक सीरियसली मेरे पे कुछ काम धंधा नहीं है आज से, मेरे पे दोनों स्क्वाड हाउस पे एंगल नहीं है, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ जोन क्लोज होने का, जैसे ही जोन क्लोज होगा तब मेरा काम शुरू होगा फ्रेंड्स, कॉज तब ये सब के सब नोबड़े ऊपर कहाँ से पड़ रही है भाई हमें। तो यहाँ पर जो क्या हुआ था कि मैं नॉक हो गया, अब यहाँ पे नॉक होने का रीज़न ये था कि जो मेरे को लग रहा था कि वो बंदा मेरे पे एम नहीं करेगा इतनी देर तक कंटिन्यूसली, बिकॉज वो एक तो जोन के बाहर है और जोन के बाहर भी होता वाला है कितना बड़ा नोक तो नहीं होगा, मैंने फिर यहाँ पे स्पीड हैक इस्तेमाल किया जिससे वापस से खड़ा हो गया तेज, ये स्पीड हैक मैं बहुत टाइम बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइक इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैकर्स के पास नहीं है, और इतने में हमारे मैक्सन भाई का दो केड़ी का स्टाइल वापस आ गया, वो मर गए ऑफकोर्स, क्या करें बस मैक्सन भाई की जिंदगी ही ऐसी है निराली सी, मर जाते हैं आते जाते हैं ऐसे घूमते फिरते पता भी नहीं चलता कब क्रेड बन जाती है हमारे मैक्सन भाई की। तो अब क्या हुआ यहाँ पे सामने से बंदे जोन में आ गए, कॉज उनका एक नॉक हुआ था शायद वो जोन से मर गया था क्या हुआ, तो मैंने देखा ये नोबड़ा भाई मेरे सामने यहाँ बुश में लेटा हुआ है, ज़्यादा बुशी बुशी कर रहा है, तो हमने फाड़ दी इसकी, और फिर एक बंदा मेरे को फायरिंग हॉस्पिटल से, अब इसका लगे तो इनको मारने के बाद हमारे पास पूरा सीन अलग था, और इतने में हमारे शारिक भैया को बीजे से आके थर्ड पार्टी करके टीपीपी लेकर करके स्वाहा कर दिया, अब हम अकेले बचे हैं बड़े ही प्यार से। एक्चुअली क्या हुआ था जो रिच मैक्सटन होल्ड कर रहा था वो हमारे से लूज होगी, बिकॉज मैक्सटन मर गया तो वहाँ पे बंदे चढ़ गए आकर के, और शारिक वहाँ से ऊपर में फंस गया उनके चक्कर में, तो भाई हमारे शारिक भाई का तो वैसे भी कचुमर बनना पक्का था। तो अब तुम्हारा भाई बचा है M4 प्लस DP लेकर जिसमें सिर्फ 16 गोलियाँ हैं, उससे घंटे अंतर नहीं पड़ेगा प्लेयर को वैसे बाय द वे, तो मेरे पास लाइक अभी सक्सेस के साथ M4 है जो कि मेरी आखिरी होप है भाई, नहीं तो मेरा तो स्वाहा हो ही चुका, उसने मेरी गाड़ी फोड़ दी बैठे हुए, और मैंने देखा वो बंदा नीचे आ रहा है डाउन रिच, तो मैं भी धीरे धीरे करके नीचे भागने लग गया कि भाई आ जा देखते हैं किस में है कितना है दम, और फिर क्या होना था फ्रेंड्स। अबे फास्ट है तो बहुत ज़्यादा, क्या सर्विस है इस बंदे को मार के, मेरे को बहुत संतुष्टि मिली सही बताऊं तो, लाइक ये बंदा इतना तेजी से भाग के आया तो भाई अलग ही लेवल का मैराथन रनर था, मेरे को तो लग रहा था भाई हुसैन बोल्ट वोल्ट तो नहीं है जैसे भाग के आ रहा भैया, मैं डर डर गया था, बट हमें क्या पता था ये भी दो कड़ी का कोई प्लेयर होगा, मेरे को पता नहीं कौन था एक्चुअली, बस बहुत तेजी से है, मैंने इससे आराम से एमओ ली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे, लाइक 7 KM और 5 KM जो मेरे लाइक बहुत कम बची थी देख रहे हो तुम, तो मैंने कचरा वचरा तो लाइक फेंक दिया, नहीं चाहिए मेरे को कचरा चाहिए नीचे आखिरी सर्कल ही क्यों ना हो, और फिर मैं धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर दिया, और इतने में देखा कि लेफ्ट साइड में किल फीड में लंका लग चुकी है, कॉज अभी 6 लोग सिर्फ जोन से मर गए बैठे, मेरे को पता नहीं चला क्या हुआ बट 6 लोग अभी लिटरली जोन से मर गए भाई, बाहर के लंगर बट रहा था जो तुम इतनी देर तक बाहर बैठे रहे भैया क्या कर रहे हो गेम प्ले के अंदर अपने, तो इधर मैं आगे पुश कर रहा था इतने मेरे को बंदा देखा, तो मैंने तेजी से नॉक करा, तो मेरे को पता चला कि इसका एक और टीममेट है, तो मुझे लगा वो भी आसपास होगा, तो मैंने पहले ग्रेनेड निकाल करके फेंका पत्थर के पीछे, बट हमें का पता था कि हमारी किस्मत में आज वो किल रखा ही नहीं है, तो लाइक फटा वो ग्रेनेड फटा बच गया ये बंदा, तो मैंने इसे ख़त्म कर दिया, कॉज ये बंदा मेरी पोजीशन देते थे साफ साफ, तो मैंने इसको तो पूरा मार ही दिया, तो इतने में हल्का राइट साइड जा रहा था, इतने में क्या हुआ मेरे पे आए AKM सप्रेस शॉट्स, हल्का सा और आगे जाता तो शायद मरमुरा भी जाता, बट मैंने फायरिंग करी उतने में मेरे पे AKM के शॉट्स आए, और उसके बाद मैं समझ गया कि भाई ये बंदा मेरे सामने लड़ने के लिए तैयार, अब रीलोड करेगा वो पत्थर पे चले जा दिस व्हाट पीछे साइड सारे साइड अरे लाइट पे, तो इधर मैंने रैंडम फायर किया, मेरे को लगा था कि क्या पता किस्मत से लग जाए, बट हमारी किस्मत में तो रखा ही नहीं है ना ऐसे, हमको सामने ही घुस के मारना पड़ेगा, वो नीड आया और इसलिए मैं M4 को हर जगह प्रेफर करता हूँ, भैया M4 का जो हिप फायर है ना क्या है भाई, क्या गजब की गन है M4, बिना ADS करे क्या पेलती है यार, क्या पेलती है सीरियसली, मेरे पे यहाँ पर M7 होती ना तो पक्का मरता है, AKM से शायद से जीत सकता था बट 1 HP पे, बट M4 पे तो इतना लाइक रिस्क लेके भी मैं जाके करके मार आया, मेरे पे लाइक देख रहे हो सिर्फ 4 गोली बची थी M4 की, लाइक मेरा स्वाहा होना पक्का था अगर मैं मारता नहीं इसे तो, बट एनीवेज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल नहीं मत भूलना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना तो लाइक बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलूंगा तुम्हें विद ब्रांड न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी, मैं एक्शन भाई आई, आज आपने भी अपना 2 KD का गेम लेको 4 KD का रखा है, तो आज आपको हम चाय बना करके देंगे, चलिए आइए बैठिए कोने में, लाइए जी मैं एक्शन, पहले तो सामान लाइए चाय बनाने का, फिर उसके बाद हमको चाय बनाना सिखाते हैं, चलिए